हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम टू पंजाबी चाम यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश वॉइस ओवर, प्लीज़ चेक इंग्लिश टू पंजाबी प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका पंजाबी चाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने गुरमुखी लगा मात्रा में मुक्ता और कन्ना के वर्ड सीख लिए हैं। इस वीडियो में हम गुरमुखी लगा मात्रा में सिहारी के वर्ड सीखेंगे। सिहारी वर्ड सीखने से पहले हमने जो सबसे पहली वीडियो में सिहारी के बारे में जाना था उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि सिहारी का सिंबल ये होता है। सिहारी एक की आवाज निकालता है, जैसे कि त्यार, ते आर, तत्ते नु सिहारी ते, एडे नु कन्ना आ, रारा मुक्ता र, त्यार। तैयार का मतलब हिंदी में तैयार ही होता है और इंग्लिश में इसका मतलब रेडी है। चलिए सिहारी के और वर्ड्स देखते हैं। सिहारी का जो हम सबसे पहला वर्ड सीखेंगे वो है दिन। दिन, दिन का मतलब हिंदी में दिन ही होता है और इंग्लिश में इसका मतलब डे होता है। इसे पढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार बोलेंगे, दिन सिहारी दे नन्ना मुक्ता न दिन। दिन। आइए सिहारी का अगला वर्ड देखते हैं। इस सीरीज में अगला वर्ड है मिल। मिल, मिल का मतलब मीट होता है और हिंदी में इसका मतलब मिल ही है। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, मम्मी ने सिहारी मी, लल्ला मुक्ता ल, मिल। मिल। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लिख। लिख, लिख का मतलब लिखी होता है और इंग्लिश में इसका मतलब राइट है। लल्ले नु सिहारी ले, खखा मुक्ता ख, लिख। लिख। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। इस सीरीज का अगला वर्ड है दिल। दिल, दिल का मतलब हिंदी में दिल ही होता है और उसे हृदय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब हार्ट होता है और इसे पढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार बोलेंगे, दद्दे नु सिहारी दे लल्ला मुक्ता ल, दिल। दिल। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लिया। लिया, लिया का मतलब हिंदी में होता है लाना और इंग्लिश में इसका मतलब होता है ब्रिंग। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, लल्ले नु सिहारी ले, एडे नु कन्ना आ, लिया। लिया, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, लिया। लिया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है गिन। गिन, हिंदी में इसका मतलब गिन है और इंग्लिश में इसका मतलब काउंट है। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, गग्गे नु सिहारी गे, अणाणा मुक्ताणा, गिण। गिण। आप यह नोटिस करेंगे कि यहां पे न ना होकर ण है, तो आप इसको दोहरा सकते हैं, गिण। गिण। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है तैयार। तैयार, तैयार का हिंदी में भी मतलब तैयार ही होता है और इंग्लिश में इसका मतलब रेडी है। तैयार को पढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार बोलेंगे, तत्ते नु सिहारी ती, एडे नु कन्ना आ, रारा मुक्ता र, तैयार। तैयार। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इनाम। इनाम, इनाम का मतलब हिंदी में भी इनाम ही होता है और इंग्लिश में इसका मतलब प्राइज है। इसको बोलने के लिए कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, ईडी नु सिहारी ए,
नन्ने नु करना ना, मम्मा मुक्ता मा इनाम इनाम। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है किताब, किताब। हिंदी में भी इसका मतलब किताब ही होता है या पुस्तक होता है, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है बुक। इसे पढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार बोलेंगे, कक्के नुसिहारी के, तत्ते नुकन्ना ता, बब्बा मुक्ता ब, किताब किताब। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है किसान, किसान। किसान का मतलब हिंदी में भी किसान ही होता है और इंग्लिश में होता है फार्मर, और इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, कक्के नुसिहारी के, सस्से नुकन्ना सा, नन्ना मुक्ता ना, किसान किसान। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है मिर्च, मिर्च। हिंदी में भी इसका मतलब मिर्च ही होता है और इंग्लिश में मतलब होता है चिल्ली, और इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, मम्मे नुसिहारी मी, रारा मुक्ता र, चच्चा मुक्ता च, मिर्च मिर्च। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हिरन, हिरन। हिरन का मतलब हिंदी में भी हिरन होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है डियर, और इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, हा हेनु से हरी ही, रारा मुक्ता र, नन्ना मुक्ता न, हिरन हिरन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है प्यार, प्यार। प्यार का मतलब हिंदी में भी प्यार होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है लव। पप्पे नु सिहारी पी, एडे नु कन्ना आ, रारा मुक्ता र, प्यार प्यार। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान का मतलब हिंदी में भी ज्ञान ही होता है और इंग्लिश में मतलब होता है नॉलेज, और इस वर्ड को कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, गग्गे नु सिहारी गी, एडे नु कन्ना आ, नन्ना मुक्ता न, ज्ञान ज्ञान। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है नहर, नहर। नहर को कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, नन्ने नु मुक्ता न, हाहे नु से आरी हे, रारा मुक्ता र, नहर नहर। नहर का मतलब हिंदी में भी नहर ही होता है और इंग्लिश में मतलब होता है कैनाल। Thank you for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up and please consider subscribing to my channel. I'll see you in the next video. Till then, keep learning Punjabi. Sat Sri Akal.